हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, अपने विलो का डे टू। तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock। मैं रेडी हो रहा हूँ जिम के लिए। जैसे मैं 5 बजे अभी उठा था, तो अब जिम के लिए 5 बजे उठ के मैंने मील खाई है। मील के अंदर जो कार्ब्स होते हैं, मैंने पोटैटो बॉइल किए थे, राइस बॉइल किया था, वो दोनों चीज़ वाइट राइस उसमें मैंने लिए थे। प्री वर्कआउट मील के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो प्री वर्कआउट मैं आई बटन पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने मील ख़त्म कर ली है 5 बजे जो मील थी, अब 1-1.5 घंटे का रेस्ट लिया है। तो अब 6 o'clock हैं, वैसे 6:30 पे जिम के लिए निकलेंगे। और लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिम के लिए निकलने से पहले जो 15 मिनट पहले मैंने एक ड्रिंक भी वगैरह रखी है, ड्रिंक एक प्री वर्कआउट टाइप की। आपके पास अगर प्री वर्कआउट नहीं है और आप नहीं लेना चाहते कोई सप्लीमेंट, तो आप कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं अपने प्री वर्कआउट मील में। जो प्री वर्कआउट ड्रिंक होती है 15-20 मिनट पहले लेते हैं। तो चलते हैं जिम। गाइस, टाइम हो चुका है अभी जो प्री वर्कआउट लेते हैं। प्री वर्कआउट में मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो कॉफ़ी आती है, नॉर्मल कॉफ़ी। तो 2 रुपये वाला पाउच है, तो उसे आप हाफ यूज़ कर सकते हैं या आप पूरा भी डाल सकते हैं आपकी कैफीन इनटेक के हिसाब से। मैं अभी हाफ यूज़ कर रहा हूँ उसमें। गाइस, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो चलते हैं जिम। गाइस, ड्यूरिंग वर्कआउट के लिए BCAA ऐड कर रहे हैं। मैं भी यूज कर रहा हूँ फास्ट एनफ का BCAA। इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए, तो आई बटन पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। काफी बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे ये। गाइस, टाइम हो चुका है, थोड़े से लेट हो गए। जिम के लिए थोड़ा लेट हो चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं है, जिम पास में ही है। गाइस, जिम पहुंच चुके हैं। काफ़ी यहाँ जस्ट साइड वाली बिल्डिंग में हम रहते हैं और साइड में ही जिम है। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am.
गाइस आज लेग्स ट्रेन किए थे, काफ़ी हैवी एक्सरसाइज थी, बढ़िया एक्सरसाइज थी। कल प्रोग्राम चल ही रहा है गुरु मानसर का, तो चलते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन को एक बनाना ऐड कर सकते हैं आप। पोस्ट वर्कआउट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने पोस्ट वर्कआउट के ऊपर की वीडियो डाल रखी है, आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। गाइस काफ़ी हैवी वर्कआउट था, बढ़िया वर्कआउट था लेग्स का, तो आप ट्राई कीजिए इसे पूरा, बढ़िया आपको इफेक्ट दिखेगा। गुरु मानसर का वर्कआउट है, आज डे टू था वर्कआउट का भी। कल हमने चेस्ट और बाइसेप किया था शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आज हमने लेग्स ट्रेन किए हैं। पोस्ट वर्कआउट में जैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है, आई बटन पर डाल भी दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में, कार्ब और प्रोटीन रिकमेंडेशन, फैट वगैरह को अवॉइड कीजिए, लो डाइजेशन स्लो कर देते हैं। तो अब मैं ले रहा हूँ वे प्रोटीन अभी फास्ट एंड अप का यूज़ कर रहा हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, आप काफ़ी अच्छा टेस्ट है, चॉकलेट टेस्ट है। और इसके साथ कार्ब में बनाना ऐड कर सकते हैं आप, एक कहते हैं चीप सोर्स है और इंस्टेंट एनर्जी देता है, बढ़िया है, जो हमें रीफ्यूल करनी है, जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर था वो रीफ्यूल करना है। गाइस कॉलेज के लिए थोड़ा लेट हो रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट रेडी किया है, ओट्स बन चुके हैं, ये ओट्स हो गए, ये अपने लंच के लिए। शाम के लिए मैंने जो स्प्राउट्स हैं, जो चने हैं, ये भिगो के रख दिए, शाम को कमाएंगे, शाम के मील में जो 4 बजे हम लेंगे। गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। एक कोशिश कर रहे हैं कुछ, जितना हो सके मैं उतना कंटेंट कवर कर रहा हूँ पूरे डे का। मेन तो अभी फोकस कर रहा हूँ मैं एक फिटनेस व्लॉग की, जैसे भाई प्री पोस्ट आपसे दिखा दिया, कुछ आपसे बातें शेयर कर ली और जो वर्कआउट सेशन है वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस अभी तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे आगे काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे सारे व्लॉग को कैसे क्या होता है, ट्रैवल करेंगे, वहाँ का व्लॉग भी बनाएंगे, कुछ कॉलेज के क्लिप भी डाल दूंगा मैं, मतलब जितना भी कुछ पूरे दिन में होता है वो सारी डालने की कोशिश करूँगा। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी अनदर व्लॉग में या कोई नॉलेजेबल वीडियो जैसे किसी चीज़ के ऊपर मैं डाल दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है, किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, या आप मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हैं, धीरज फिटनेस मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ DM भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।